तो भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक टॉपिक पे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि जर्मनी में स्टूडेंट हॉस्टल्स कैसे होते हैं, स्टूडेंट की लिविंग कंडीशंस क्या होती हैं, किस तरह गुजारा करते हैं। तो आज थोड़ा बहुत उसको झलक दिखाते हैं आपको कि आज मैं एक पॉडकास्ट लेने आया हूँ केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। उस पॉडकास्ट में मेरे साथ असद भाई हैं और काम कर दो अस्सलाम वालेकुम और असद भाई के आज हम हॉस्टल जा रहे हैं, छापा मार रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे एक लौंडा, देसी लौंडा यहाँ पे जर्मनी में रहता है एज अ स्टूडेंट और कितना खर्चा पानी देता है और खाने पकाने का क्या सीन होता है। चलो अभी तक आप स्टूडेंट हो यार, क्या करें, गरीब आदमी। सॉरी यार, नहीं सॉरी सर कहो। हाँ सॉरी यार, यार क्या होता है, शुगर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपकी पोस्ट आती है नॉर्मली, ये इसका नाम है असजद लोदी का। आपको मेन डोर नज़र आ रहा है और यहाँ से इंटर करके आप जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर आपको इस बॉय का रूम नज़र आएगा। ये सारा अपार्टमेंट है जो कि शेयर्ड है स्टूडेंट्स के दरमियान। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? मेरे अलावा 10 लोग और रहते हैं यहाँ पे। 10 लोग और? 10 लोग और रहते हैं। किचन बहुत छोटा पड़ता था रात में खाने के टाइम पे। अच्छा, ये किचन रात के 11 बजे 10 लोग यहाँ एक किचन में लाइक। अच्छा हाँ, फिर तो मुश्किल है। बट सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं, तो इन लोगों ने हम सबको जो है अपने कंपार्टमेंट दिए हुए। ये मेरा कंपार्टमेंट है, देख के पता चल जाता है देसी का कंपार्टमेंट है, क्योंकि शान मसाले मसाले पीछे शान मसाले कढ़ाई मसाले, ये बात की है ना तुम्हें लड़के। और सबसे अहम चीज जिसके बगैर गुजारा नहीं होता, लिप्टन चाय। एक चीज मिसिंग लग रही है मुझे। क्या यार, हाजमोला का ये चीज। हाजमोला यार, हाजमोला हम लोग खाते हैं इसे इतने अच्छे तरीके से कि खराब होता ही है पेट। यहाँ पे जो भी है बचता नहीं है। अच्छा ये फ्रिज है। अच्छा यहाँ पे भी कंपार्टमेंट है ना, सब कंपार्टमेंट चाहिए, सबके नंबर लगे हुए। अच्छा इसमें एक कंपार्टमेंट ऐसा होता है जो कि कॉमन होता है, उसके बाहर कोई नंबर नहीं लिखा होता, बट ये होता है कि आप एक दूसरे से डिस्कस करके बता सकते हैं। जैसे अभी मेरी रूममेट है, उसने रखा हुआ अपना सामान यहाँ पे। अच्छा ये खुला रहता है, बाकी लॉक ये खुले रहते हैं, बाकी आप लॉक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कभी कुछ हुआ है कि कोई चोरी वगैरह हो गई, कोई चीज खा गया? रूममेट पे डिपेंड करता है आपके। मेरे रूममेट चोर नहीं है तो मैं बचा रहता हूँ, मतलब सब कुछ अभी इस वक्त कंपार्टमेंट। लेकिन वो दूसरे नहीं बचे रहते हो ना, हालत देखें आप अपनी का, पता नहीं किन किन का खा के बड़े हुए। अच्छा और ये आगे सारे रूम्स हैं, ये हमारे सारे आगे रूम्स हैं। अच्छा मैं थोड़े से लग्जरी वाले टॉयलेट कर रहा हूं। अच्छा आपके कमरे में अंदर दिया हुआ है? हाँ नॉर्मली अंदर नहीं होता, नॉर्मली लाइक एक शेयर्ड वॉशरूम होता है। ये थोड़ा मशहूर है कि शशकों वाला स्टूडेंट डॉर्म है। आप कितना दे रहे हैं इसका पे रेंट? कितना दे रहे हैं? 350 यूरोस पर मंथ। 350 व्हिच इज गुड फॉर आई थिंक फॉर दिस सॉर्ट ऑफ रूम। कमरा स्पेशियस है पर थोड़ा फैला हुआ है, क्योंकि काम होते हैं, फारिग आदमी नहीं है। अच्छा ये कमरा साफ रखा हुआ है बड़ा आपने। जूते भी अंदर? अच्छे गुड यार, सॉरी मैं जूते ले आया अंदर से। गंदे कपड़े दिखा रहे हो, लॉन्ड्री वाले। लॉन्ड्री? हाँ लॉन्ड्री कैसे करते हैं लॉन्ड्री से यार? लॉन्ड्री रूम नीचे होता है, जो कोई बिल्डिंग का एक लॉन्ड्री रूम होता है। क्या खुद जाके पोछे मारते हो, क्या करते हो? लाइक पोछे नहीं मारने होते, आपको करना ही होता है कि आप जाएं वहाँ पे, आपकी अगर किस्मत हुई तो आपको एक खाली मशीन मिल जाएगी जहाँ पे आपके पास चार वॉशिंग मशीन है और एक ड्रायर है। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, और जो कम पैसे वाले लोग हैं वो तार पे टांग देते हैं, वहाँ पे तार भी गिवन है। तो आप ड्रायर इस्तेमाल करते हो यार, हर जगह शो ऑफ अपना पैसा। इतना है तो इधर ही दे दो, वॉशरूम दिखा दें। अच्छा मैं इनके घर अचानक आए तो उन्होंने साफ सफाई नहीं की होगी, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड है, लाइक अनएक्सपेक्टेड था कि इतना साफ होगा। खैर ये वॉशरूम है, यहाँ पे नहाते हैं आप? वो कौन सा गाना गाते थे आप नहाते हुए? इतना ऊंचा ऊंचा गाने गा रहे थे, लैला मैं लैला। यार बाहर बैठा सुन रहा होता था मैं, एक तो आवाज़ तुम्हारी इतनी ऊंची है। नहीं ये गलत बात है, कमरे में क्या कर रहे थे? लैला मैं लैला गाते हो? नहीं गाते, चलो ठीक है। ये यहाँ पे शीशा है यार, यहाँ पे तो सेल्फी आ सकती है, वो मिरर सेल्फी। तो खैर वो बाद में लेंगे। और यहाँ पे हाँ एक सेटअप तो बता दो जो तुम्हारी पढ़ाई में हर्डल बना हुआ है। ये चीज़ यार ये सबसे अहम चीज़ है पता है, वरना आदमी पागल हो जाए इसके बगैर। सबसे अच्छी कहानी ये थी कि मैं दोस्तों के साथ नीचे बैठा हुआ था रात में, उसने दिल पे ले लिया, उसने कहा 30 यूरो पेपैल कर दो, उसने पेपैल कर दिया। ये 30 यूरो का आपको मिला? टीवी मिल गया यार, ये फुल HD टीवी है लाइक अच्छा खासा शशकों वाला है। ऑन करके दिखाएंगे कैसा है? 30 यूरो, 30 यूरो कितने बंदे पाकिस्तानी? 4-5 हजार, 5 हजार नहीं 30 यूरो कितने का हो गया? 1 यूरो
फिर भी काफी सस्ता है यार। मैंने इस पे फीफा खेली हुई है तो मैं बता सकता हूँ उसका रिजल्ट। फिर तो टीवी पे आप देखते हैं जर्मन प्रोग्राम या कुछ? यार यहाँ पे बुरा सीन ये है कि जो केबल है ना वो टाइम पे आती है, जैसे हमारे यहाँ होता था बचपन में कि हम लोगों को टाइम पे केबल आती थी, खबरों से पहले आती थी, फिर उसके बाद साथ में 4 से 6 के बीच में आती थी। तो जर्मन केबल का भी कुछ ऐसे ही हिसाब है कि आपको जो है वो टाइम पे आती है, देखना पड़ता है गाइड में जाके कि क्या आ रहा है। ये वो पीटीवी वाला जमाना याद आ रहा है, सुबह सुबह कहते थे कार्टून लगने उठो नाश्ता करते हैं, वो भी सीन है। सही बात है, वहाँ तो घर में पड़े होते थे सुबह, कौन खबरें देखेगा कौन कार्टून देखेगा। आप कार्टून देखते हो? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। ये कमरा हो गया और गर्मियों में आपको उसकी जरूरत पड़ती है। लोगों को लगता है आपको गर्मी नहीं होती यूरोप में इतनी ज्यादा, लेकिन आजकल काफी पड़ रही है। गर्मियों में कितना टेम्परेचर था यहाँ पे? 40 तक गया था गर्मियों में। गर्मियों में तो भाई 40 क्रॉस करा था बीच में। हाँ वो अच्छी खासी। और ये यूरोप की लाइक लहर आई थी गर्मियों की जो कि हीट स्ट्रोक पड़ा था और काफ़ी अर्से बाद कुछ ऐसा हुआ था। खैर ये बड़ा ऑर्गेनाइज कमरा रखा हुआ है असद भाई ने, बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं आपसे। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं जिसमें आपको स्टूडेंट हॉस्टल्स का थोड़ा सा आपका पता लग गया होगा। अब ये वाली एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। टाटा टाटा ऑफिस। आप चाका की तरफ से कराची के सारे तमाम शहरियों को दिक्कत बंद कराए।